हेलो फ्रेंड मोर नाम नजरुल और अपने चाहिए नजरुल एम डी टेक्निकल चेनेल सो बंधु आसाम टी एम्प्लयज प्रविडेंट फंड अर्गेनाइजेशन फल अपना जूनियर एसिस्टेंट वैकेंसी ऊल्स 25 जूनियर एसिस्टेंट वैकेंसी सो के अप्लाई लगे कत जा लगे कि डकुमेंट्स लगे कि क्वालिफिकेशन लगे सैलरी कि मैं डिटेल्स अपना कह आसो सो बंधु मोर भिडिओ शेक चाहिए और अपना जो मोर चेनेल नतुन आई निश्चय सबसक्राइब कर कारण मैं एनेकवा भिडिओ लनी थको सो ब्लग आज भिडिओ मैं आरम्भ करूँ सो अपना चाहिए स्क्रीन मैं स्क्रीन आसाम टी एम्प्लयज प्रविडेंट फंड अर्गेनाइजेशन लास्ट डेट हल 14 तारीख 14/8/2021 आसाम टी एम्प्लयज प्रविडेंट फंड अर्गेनाइजेशन हेज रिलीज एंड इम्प्लयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट 25 जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी इन द हेड ऑफिस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन आसाम इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट मे अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन मैं अप्लाई लगे मैंने सीट कैसे और ऑनलाइन अप्लाई हम सो तलत नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट आज अपना नम्बर ऑफ पोस्ट आज 25 रिजर्व फॉर वुमेन मानने 8 मानने वुमेन कैंडिडेटर रिजार्वेशन अपना 8 वेकेंसी आज कैटेगरी वेकेंसी आज अनरिजर्व 10 ओबीसी एम ओ बी सी 7 आज एस सी 2 आज एस सी 2 आज एस टी एस 1 आज और इ डब्ल्यू एस 2 आज पिडब्ल्यू डी 1 आज सो तलत जा तलत जाने सब पे स्किल अपना दिया आज पी जि 2 आर एस अपना 14,000 to 49,000 उथ ग्रेड पे हल 6,200 प्लस आदार लॉन्सेस एट एडमिशन अंडर रूल्स मैंने ये अपना पे स्किल तो अपना 14,000 to 49,000 हम और ग्रेड पे हम 6,200 मैं 14,000 प्लस अपना 6,200 मैंने यू सैलरी हम और तार ऊपर आदार एलाउन्सेस हम सो यारण इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम एम्प्लयमेंट एक्शन सार्टिफिकेट तो अपना मास्ट लगे जो अपना बनवा ना एम्प्लयमेंट एक्शन सार्टिफिकेट बनाय लो तो इलिजिबल कैंडिडेट सिटीजन मास्ट बी हैव रजिस्ट्रेशन नम्बर इन एम्प्लयमेंट एक्शन इन द स्टेट ऑफ आसाम एज लिमिट इतना अपना दिया 21 इयर्स 30 इयर्स लेके अपना एज रिलैक्शन तो आसे चाहिए अपना कैटेगरी वाइज आज एज रिलैक्सेशन एडुकेशन क्वालिफिकेशन आज अपना सब पे एप्लिकेशन मास्ट बी ग्रेजुएट ग्रेजुएट हम लगे इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म और यूनिवर्सिटी जिको अपना डिग्री हम हम और गोटे स्पेशल लेकिन मास्ट बी पास आउट मिनिमम 6 मंथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीटेड कम्प्यूटर स्टार्टअप स्पीड शीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स वन सेट ऑफ डेटाबेस इंटरनेट ईमेल एंड कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश एंड आसामिज लैंग्वेज इते कैसे जो मैंने ग्रेजुएट तो हम लगे तारे 6 मंथर एट डिप्लोमा अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगे और अपना इंटरनेट ना ईमेल के भेजे इंटरनेट तो सभी जानव लगे वर्डत के हेरी लिखे सभी जानव लगे ये कैसे एप्लिकेशन फीस इतना दिया आज कि हेव टू पे एप्लिकेशन फी एज गिवन बोलो एस सी एस टी 200 आदार्सर कारण 300 पी डब्ल्यूर कारण ना नील है सो अपना सिलेक्शन प्रोसेस तो हम अपना रिक्वायरमेंट इन द टू स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस हम द कैंडिडेट हुज एप्लिकेशन आर एक्सेप्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हम फर्स्ट टेस्ट हेरी माल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन काटिब माने 100 मार्क्स टू बी हेल्ड इन 5 जोन्स ऑफ आसाम माने 5 हेरी भाग कोइसे डिब्रुगढ़ जोन जोरहाट जोन तेजपुर जोन शिलचर जोन और गुवाहाटी जोन 5 जोन भाग कर एग्जाम पाती बचे अन द डेट ऑफ नोटिफाइड ऑन लेटर ये हम ये पीछे अपना जाना दी सो यार सिलेबस हम अपना सिलेबस फॉर स्टेज 1 इनक्लूड जनरल स्टडीज इनक्लूडिंग करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल 60 मार्क्स जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स आर्थमेटिक 20 मार्क्स ये तो अपना फर्स्ट स्टेज हल सेकेंड स्टेज अपना आज एगेन्स्ट इज वैकेंसी 500 वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ इन द स्टेज 1 द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द फॉलोइंग टेस्ट इन स्टेज 2 माने 5 जनों पर एज लगभग माने फर्स्ट स्टेज में दिखे 5 जनों पर एज लगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सिलेक्ट कर स्टेज 2 हेरी एग्जाम पाती तार कारण सिलेबस तो दिया कंप्यूटर टेस्ट इन इंग्लिश एंड आसामीज 20 मार्क्स राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इन इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी टेस्ट शैल बी इनक्लूड ड्राफ्टिंग प्राइसेस
राइटिंग कन्वर्सेशन इजी एसे सॉरी एसे एक्सेट्रा 30 मार्क्स फाइनल सिलेक्शन हो कम्बाइनिंग मार्क्स ऑफ स्टेज वन मैं मन करा क्या फाइनल सिलेक्शन हम कम्बाइन मार्क्स ऑफ स्टेज वन एक्जिक्यूटिव टेस्ट एंड स्टेज टू कंप्यूटर टेस्ट रेटिंग रिलेटेड टेस्ट सिक्योर बाय द कनेक्टिविटी विल बी डिटरमाइंड फैक्टर द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट जैसे कि फाइनल सिलेक्शन एने का लगभग स्टेज वन हम लोग कि हेरी कर और स्टेज टू के पार्फर्म करते हैं बेस सहित सिलेक्शन और निचे भाजा हम हाउ टू एप्लाई इंटरेस्ट एलिजिबल कैंडी ऑनलाइन विजिटिंग ऑफ आसाम टी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव फाउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल वेबसाइट जब जैसे डायरेक्टली अप्लाई करो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन 14 ऑफ अगस्त यार लास्ट डेट दिया है अपना चाहिए 14 अगस्त लास्ट डेट तो आगते अपनी हेरी कर लग ऑनलाइन एप्लाई कर आगते तो डॉक्यूमेंट की लगे हेरण दिया है कितना डिक्रेटिव सीन एंड दे आर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लगे लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगे एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट एसएससी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ लगे जेन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पास सर्टिफिकेट मार्कशीट लगे स्कैन सिग्नेचर तो लगे सीट स्कैन कर पटा लगे अपलोड कर लगे और दिया है अपना कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जेनेरल कारण इनकास्ट रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट एक्शन सर्टिफिकेट लगे मार्च भी कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगे कैसे सिक्स मंथ और डिजिबल सर्टिफिकेट कौन जो पी डब्ल्यू आर कैंडिडेट है डिजिबल सर्टिफिकेट लगे इते कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लाइक इनकम सर्टिफिकेट ये अपना हेरी अपना जिसमें इडब्ल्यूएल सर्टिफिकेट आए सीट कैसे और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इडब्ल्यूएल सर्टिफिकेट सीट और सो इम्पर्टेन्ट डेट्स इतना दिया है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 15th of July स्टार्ट हम ऑनलाइन एप्लिकेशन कर लास्ट डेट हम 14th of August सो बंधुस्क भिडिओ आज इमें नेक्स्ट भिडिओत मैं देखा दूम आपको एंड द प्रूफ के अप्लाई कर लगे मैं अप्लाई करके अप्लाई कर स्पट मैं देखा दूम सो बंधुस्क आज भिडिओ इमें थैंक यू सो माच।